दिस इज द हैंडल बार राइजर्स। सो गाइस हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करने से पहले जो मेरा राइडिंग पोस्चर था वो कुछ इस तरीके से था। बात करूं अपने पिलियन की फेवरेट एक्सेसरी के बारे में, सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने अपनी हंटर के लिए ऑर्डर किए थे सैडल बैग्स जो फाइनली पहुंच चुके हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी एक्सेसरीज और उन मॉडिफिकेशन के बारे में जो मैंने इंस्टॉल किए हैं अपने हंटर पे। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस ये सामने खड़ी है अपनी हंटर फुली लोडेड। वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस एक्सेसरी से जो मैंने अपनी बाइक में सबसे पहले इंस्टॉल की थी। तो गाइस हम बात करने वाले हैं अपने बाइक की पहली एक्सेसरी यानी कि अपनी बैश प्लेट के बारे में। सो दिस इज द बैश प्लेट फ्रॉम मोटो टॉर्क एक्सेसरीज। तो जिस तरीके से इसका लुक आता है, बाइक आने से पहले मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। सो गाइस रॉयल एनफील्ड की जो बैश प्लेट है वो मैंने यूज नहीं करी क्योंकि जिस प्राइस पे वो रॉयल एनफील्ड की बैश प्लेट मिल रही थी उससे ऑलमोस्ट 1000 रुपीज कम में मुझे ये बैश प्लेट मिली। और टू बी ऑनेस्ट यार ये बैश प्लेट काफी ज्यादा स्टर्डी है और आप देख ही रहे हो लुक वाइज भी ये बहुत ज्यादा कूल लगती है कम्पेयर टू द स्टॉक बैश प्लेट फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली एक्सेसरी के बारे में। टू बी ऑनेस्ट यार ये मेरा फेवरेट है। दिस इज द हैंडल बार राइजर From HDT Customs. Let's face it guys, Royal Enfield Hunter एक बहुत comfortable bike हो सकती थी लेकिन इसके step suspension और थोड़ा सा lean forward जो इसका posture है उसकी वजह से जो bike में जो comfort है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा compromise हो जाता है। Honestly, bike purchase करने के 200 kilometers चलाने के बाद ही मैं समझ चुका था कि यार मुझे handlebar risers की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो ये जो handlebar risers हैं वो interceptor के लिए बने हुए हैं लेकिन इनको हम hunter पे भी install कर सकते हैं। इनको मैंने order किया था HDT Customs से जो कि एक मुंबई based brand है और honestly यार इनकी वजह से ना बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अब हो चुकी है। आप देख पा रहे हो कि ये एंगल्ड हैंडल बार राइजर्स हैं। ये सिर्फ बाइक के हैंडल की हाइट को ही इंक्रीज नहीं करता है, इनफैक्ट ये बाइक के हैंडल की रीच को भी बढ़ा देता है। सो गाइस हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करने से पहले जो मेरा राइडिंग पोस्चर था वो कुछ इस तरीके से था। कुछ इस तरीके से हैंडल्स यहाँ पे आते थे जो कि आई वोंट से कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था लेकिन लॉन्ग राइड्स पे जरूर ये हमारे पाम्स को थका देता था। लेकिन हैंडल बार राइजर इंस्टॉल करने के बाद इट्स वेरी कंफर्टेबल नाउ। इसका हाइट भी इंक्रीज हो चुकी है, रीच भी इंक्रीज हो चुकी है, तो वाकई में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद बाइक का लुक कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लुक वाइज ये कैसा दिख रहा है ये तो आप देख ही रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सेसरी की तरफ। नाउ वी गोना टॉक अबाउट दिस बैकरेस्ट एंड टॉप रैक कैरियर। अगर मैं बात करूं अपने पिलियन की फेवरेट एक्सेसरी के बारे में तो वो है ये बैकरेस्ट और टॉप रैक कैरियर। सो गाइस दिस इज द एक्सेसरी फ्रॉम बैंडिडोस पिट स्टॉप। कुछ इस तरीके से इसके लुक्स आते हैं। साथ में आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्टिचेस यहाँ से फट चुकी हैं और साथ में एक स्क्रू भी मिसिंग है। खैर स्क्रू के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हाँ इतने जल्दी स्टिचेस का फट जाना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बैकरेस्ट पे आप 14 केजीज तक आप वेट इस पे लेके जा सकते हो। एज यू कैन सी आप देख पा रहे हो कि ये सिंगल प्लेट है लेकिन यहाँ से फिर जो बैकरेस्ट है उसकी प्लेट अलग हो जाती है एंड जो टॉप रैक कैरियर है उसकी प्लेट अलग हो जाती है। उसको प्रॉपरली वेल्ड किया गया है। दिस इज वेरी स्टर्डी एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम बैनेडोस पिट स्टॉप। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये ऑलमोस्ट मेरी पूरी की पूरी लोअर बैक को कवर करता है जिसकी वजह से पिलियन के लिए जो बैक सीट है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो यार अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो आपके पिलियन को ये बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी लॉन्ग राइड्स में आपके पिलियन आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। जो अगली एक्सेसरी है वो है ये सैडल स्ट्रे एंड इट्स फ्रॉम मोटो टॉर्क एक्सेसरीज। तो कुछ इस तरीके से उसको माउंट करते हैं और पहला माउंटिंग यहाँ पे है और दूसरी माउंटिंग है यहाँ पे और तीसरी माउंटिंग है यहाँ पे। मार्केट में कई सारे सैडल स्ट्रेज अवेलेबल हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसका लुक यार उन सबसे ज़्यादा किलर है। Alright boys and girls, तो ये वो एक्सेसरीज थी जो मैंने अपने बाइक में हंटर पे इंस्टॉल किया हुआ था। एंड ये मेरा ओपिनियन है कि इन एक्सेसरीज के अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत है भी नहीं। आप अगर चाहो तो इसमें आफ्टर मार्केट लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हो बट वो भी सिर्फ तब जब आप नाइट राइड ज्यादा करते हो। और इन सब के अलावा मुझे नहीं लगता कि हंटर पे किसी और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत है। तो गाइस आप लोग भी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सेव करो और उस पैसे को खर्च करो पेट्रोल खरीदने में। सो गाइस धूप यहाँ पे बहुत ज्यादा है, धूप की वजह से मेरा फोन कर रहा है। तो बस यार वीडियो को फिलहाल एंड करते हैं और चलते हैं अपने घर पे, बाकी बात आपसे करेंगे घर पहुंचने के बाद। हाय एवरीवन, तो यार मैं घर पहुंच चुका हूं और घर पहुंचने तक एक सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने अपनी हंटर के लिए ऑर्डर किए थे सैडल बैग्स जो फाइनली पहुंच चुके हैं। यार एक्साइटमेंट के चलते मैं उनको पहले अनबॉक्स कर चुका हूं, लेट मी शो यू। तो यस ये हैं राइनॉक्स के नोमैड सैडल बैग्स। तो हाँ यार इनकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो में साथ मिलके फिर से इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे लेकिन फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। सो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, विद दैट बीइंग सेड लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस वीडियो। ड्रीम बिग, फाइट फॉर इट। अब बस।